हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और आज का जो वीडियो है ये लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का मॉड्यूल नंबर डी है, यूनिट नंबर 52 है। पढ़ रहे हैं क्वांटिटी ऑफ गारंटी, इसका ये पार्ट वन है वीडियो। और अगर आपको प्रॉपर जेवी का वीडियो कोर्स करना है तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया, फोन करके पूछ सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स डाल दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो पहला पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या है कि एक तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई आदमी परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसकी लायबिलिटी भरेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, कोई भी आदमी क्या है, बैंक से लोन लेता है। ठीक है, ऐसा समझिए, बैंक से कोई भी आदमी लोन लिया। आप देखिए, खास करके बैंक में जो पर्सनल लोन होता है, कौन सा लोन है, पर्सनल लोन। यहाँ पे गारंटी की बात हमेशा की जाती है कि गारंटी लाइए, कोई और आदमी लाइए जो कि आप लोन नहीं पे किए तो वो आपकी जगह लोन पे करे। तो बैंक ने लोन दिया, किसको लोन देगा, बोरोवर को, और बोरोवर को एक गारंटर लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, गारंटर। ये गारंटर का लायबिलिटी तभी स्टार्ट होता है जब बोरोवर फेल हो जाता है। अगर बोरोवर पैसा नहीं दिया, यानी बोरोवर फेल हो गया पैसा पे करने में, फेल हो गया बोरोवर, ठीक है, तो बैंक यहां पे पैसा रिकवर करती है, किससे, गारंटर से रिकवर करती है। क्योंकि गारंटर ने गारंटी दिया था कि अगर बोरोवर पैसा नहीं दे पाया तो मैं पैसा भरूंगा। कौन भरेगा पैसा, मैं पैसा भरूंगा। ठीक है, अगर आपने गारंटी ही दिया है तो फिर भरो, समझ के बात, तो ये बात हो गई। इसी चीज को हम लिख रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे बात की जा रही कि परफॉर्म करेगा, जो लायबिलिटी होता है थर्ड पर्सन का डिफॉल्ट की केस में। तो गारंटर पिक्चर में तभी आएगा अगर बोरोवर पैसा नहीं देता है। बोरोवर पैसा चुका दिया तो गारंटर का पिक्चर में, मतलब है तो एग्रीमेंट में जरूर, बट गारंटर पिक्चर में नहीं आएगा। गारंटर पिक्चर में तभी आएगा जब बोरोवर फेल हो जाता है, पैसा नहीं देता है। आप इसको लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। यहां पर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि परफॉर्म करने का जो लायबिलिटी होता है थर्ड पर्सन का, कब, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी could be oral or written, but समझिए oral का value नहीं है। क्यों value नहीं है, कि कुछ आप खाली मुंह से बोल करें, written में value है क्योंकि आप इसको court में enforce कर सकते। पढ़े थे ना सिर्फ पिछले chapter में, court में enforceable है ये, याद रखिएगा। तो हम यहां बोल सकते हैं कि contract guarantee क्या है, oral है या फिर written होता है। सारा पॉइंट लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या फिर गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या गारंटी जो होता है डिसाइड किया जाता है एग्जामिन करने पर, लैंग्वेज डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज होता है उसकी एग्जामिन करते हैं और यहाँ समझते हैं कि किस नेचर का डॉक्यूमेंट है जिसे इंटर किया गया है, क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दोनों ही एक जैसा लगता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि आपको जो भी लॉस हो जाता है
मेरी वजह से जो भी लॉस हो गया तो मैं भरूंगा पैसा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट गारंटी क्या बोलता है कि इस आदमी, ये आदमी अगर पैसा नहीं चुका पाया तो मैं पैसा भरूंगा, ठीक है। तो सुनने में देखिए जैसा लग रहा है, पर इसका डॉक्यूमेंट ही पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट गारंटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है उसी से पता चलता है, ठीक है, कि पार्टी किस तरीके के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इंटर किया है। इस बात को आप लिख लीजिए, इसको एक नोट बना के लिख लीजिए, बल्कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी डिसाइडेड बाय एग्जामिनिंग द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंटर्ड इंटू द पार्टीज एंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। बेसिकली क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो या गारंटी हो, इसको डिसाइड कैसे करते हैं, एग्जामिन करते हैं डॉक्यूमेंट का क्या लैंग्वेज है, डॉक्यूमेंट का क्या लैंग्वेज है वो एग्जामिन किया जाता है, तभी समझ में आएगा जहां पे पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया हो और क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रहा है, ये भी जानना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थ्री पार्टीज होती है, जैसे एक चीज समझिए, एक हो जाता है यहां पे बैंक, ठीक है, मैंने आपको जो बताया था, एक आदमी लोन ले रहा है तो वो हो गया बोरोवर, दूसरा आदमी गारंटी दे रहा था तो ये चीज था। तो जैसे मैंने आपको बताया बैंक से कौन लोन लिया, तो बोरोवर ने लोन लिया है, ठीक है। अगर बोरोवर पैसा फेल कर जाता है बैंक को देने का, तो बैंक यहां से गारंटर, गारंटी वाले से, गारंटर से नॉट गारंटी, गारंटर से पैसा रिकवर कर लेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान लेते हैं एजुकेशन लोन के लिए ये बोरोवर आया, कौन सा लोन है, एजुकेशन लोन है, दो ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली ये फादर है और ये सन है, बोरोवर कौन है, सन। तो फादर यहां पे क्या हो जाएगा, स्योरिटी हो जाएगा, ये वादा करे तो गारंटर बोलो या स्योरिटी बोलो, गारंटर या स्योरिटी एक ही चीज होता है, और ये प्रिंसिपल हो जाएगा बोरोवर, या हम इसको डेप्टर बोलते हैं, जो कर्ज लिया उसको डेप्टर बोलेंगे। बैंक कौन हो जाएगा यहां पे, बेनिफिशियरी हो जाएगा, जिसको पैसा मिलना है भाई, या आप इसको क्रिएटर भी बोल सकते हैं। आया समझ में, लोन लिया इसने, बच्चे ने लोन लिया और बैंक से लोन लिया उसने, लोन चुकाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चुकाया तो उसके पिताजी चुकाएंगे जो गारंटर है, यानी सिक्योरिटी है। ये तीन तरह की चीजें हैं, इसको हम लिख लेते हैं। तो ए पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब है, सिक्योरिटी का क्या मतलब यहां पे, कि सिक्योरिटी का यहां मतलब हो जाता है जो पर्सन गारंटी दे रहा है, ठीक है, द पर्सन Who gives guarantee? कौन दिया था यहां पर गारंटी, फादर दे रहा था तो फादर हो गया। चलिए दूसरा, प्रिंसिपल और डेप्टर,
ये पर्सन है जो कि डिफॉल्ट, जो कि लोन लिया है, ये जिसके ऊपर गारंटी दी गई है, सबसे बड़ी जिसके ऊपर गारंटी दी गई है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हूज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, गारंटी इज गिवन, जो अगर डिफॉल्ट करता है जिसके ऊपर गारंटी दिया गया है, यहां बोल सकते हैं और हु टेक्स लोन, और ये अच्छा भाषा नहीं है लोन का, क्योंकि यहां पर हम लोग गारंटर और गारंटी का कंसेप्ट कर रहे हैं, तो आप ये बोलिए जिस अगर कोई डिफॉल्ट करता है जिसके ऊपर गारंटी दिया जा रहा है उसको हम डेप्टर या प्रिंसिपल बोलते हैं, क्रेडिटर या फिर बेनिफिशियरी आइए, ठीक है, क्रेडिटर बेनिफिशियरी में क्या हो जाएगा, ये वो पर्सन है जिसके ऊपर गारंटी दी जा रही है, द पर्सन या बेसिकली सम हो गया, द पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन, द पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन, जिसको वादा किया जाए, टू हुम गारंटी इज गिवन, कौन हो जाएगा यहाँ पे, बैंक हो जाएगा। तो सारा पॉइंट प्लीज लिख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, नोट्स बना बना के पढ़िएगा, बहुत हेल्प करेगा, पक्का पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जेबी के दो तरह के कोर्सेज है, एक पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे, सिंपल बोलूंगा फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे, हर आदमी को एक ही चीज चाहिए भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करें, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला, मैं यही बोलूंगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूंगा ये कोर्स करने के लिए, सबसे ज्यादा सेलिंग पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, यहाँ पे 6000 सेंटर क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर वन प्रिंसिपल्स करेंगे दाम में 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, पेपर टू करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये, पेपर थ्री करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seetsenabutter3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।